हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर ममता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आज मैं ज्योग्राफी के रिलीफ फीचर्स ऑफ एशिया के बारे में बात करूंगी। इससे पहले हमने एशिया की डाइवर्सिटी के बारे में बात की थी, जिससे हमारे सामने ये सारी पॉइंट क्लियर हो गए थे कि एशिया अपने आप में एक ऐसा महाद्वीप है जो काफ़ी विविधताएँ रखता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये महाद्वीप, इसमें एशिया महाद्वीप में सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, सभी अवस्थाओं की धरातलीय आकृतियां और सभी प्रकार के अनाच्छादकारी प्रक्रम देखने को मिलते हैं। अगर इस आधार पर हम देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर प्राचीनतम गोंडवाना लैंड की चट्टानें भी पाई जाती हैं और यहाँ पर नवीनतम पर्वत श्रेणियाँ भी पाई जाती हैं। तो इस आधार पर अगर हम एशिया के पूरे फिजिकल पार्ट को डिवाइड करें तो इसे हम पांच भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इसका जो पार्ट है वो नॉर्दर्न लोलैंड्स के नाम है, उत्तर की निम्न भूमि के नाम से, और दूसरा आता है आपका सेंट्रल माउंटेन एंड प्लेटो रीजन्स, जिसे हम हिंदी में मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम के नाम से जानते हैं। थर्ड आता है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, रिवर वैली और द्वीप समूह मालाएं। तो इस तरीके से हम इसको पांच पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि पूरा का पूरा हमारा जो उत्तरी पार्ट है, ये आपका ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये कैस्पियन सागर से लगा करके आपका पूरा आर्कटिक महासागर से जो लगा हुआ पूरा एरिया है, वो पूरा का पूरा हमारा उत्तरी निम्न भूमि के रूप में जाना जाता है। इसके बाद ये जो है मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम है, और ये जो नीचे आप देख रहे हैं आपका सऊदी अरब का पोर्शन और दक्कन प्रायद्वीपीय पठार का, हिंद चीन का पठार, ये पठारी क्षेत्र ऐसे हैं जो प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर की निम्न भूमि की बात करते हैं। डायग्राम में ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि अगर हम इसकी आकृति देखें तो ये आप देखिए कि इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। तो सबसे पहली विशेषताएं जो आपकी आती है इसकी उत्तर की निम्न भूमि की, वो ये है कि इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। दूसरी बात, अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो ये उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में आपके मध्यवर्ती पठार क्रम तक ये पूरा का पूरा एरिया फैला हुआ है। और यहाँ हम ये देख रहे हैं कैस्पियन सागर ले सकते हैं, कैस्पियन सागर से लगा करके आपका दक्षिण चीन तक ये पूरा का पूरा एशिया उसके अंतर्गत आता है। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें तो उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम तक ये इसकी जो लंबाई है वो 3400 किलोमीटर तक ये लंबा है। और अगर हम इसकी चौड़ाई को देखें तो ये पश्चिम में यहाँ से यूराल पर्वत से लगा करके यहाँ तक प्रशांत महासागर तक ये लगभग 7500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो लंबाई चौड़ाई के हिसाब से देखें तो ये शायद मुझे लगता है कि एशिया महाद्वीप का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट इसको हम कह सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो एरिया है यहाँ पर तीन मुख्य नदियाँ प्रवाहित होती हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक योब नदी, ओब नदी है, इसके बाद यनीशी और इसके बाद ये लीना नदी। तो ये पूरा जो क्षेत्र है विशेषकर ओब, यनीशी और लीना नदियों के द्वारा जो पदार्थ बहा करके लाया गया है, चाहे वो अपरदन के द्वारा लाया गया हो, चाहे वो हिमानियों के द्वारा लाया गया हो, तो वो पदार्थ वहाँ पर डिपॉजिट हो गया है। और उस पदार्थ के डिपॉजिट होने से इस पूरे क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो अगर हम इसको उपजाऊ की दृष्टि से देखें या उत्पादकता की दृष्टि से देखें या पॉपुलेशन की दृष्टि से देखें तो इसका जो मध्य वाला भाग है ये अपेक्षाकृत ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है। बाकी की ये पूरा का पूरा जो एरिया है यहाँ पर थोड़ा टेम्परेचर का, इसका जो पूर्वी भाग है वो टेम्परेचर के हिसाब से बहुत डाउन टेम्परेचर जाता है। तो इसका जो मध्य भाग है वो अपेक्षाकृत उपजाऊ क्षेत्र के रूप में माना जाता है।
तो अगर हम इसको आगे भी डिवाइड करें, लेकिन एक बात और है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो निम्न भूमि के अंतर्गत आता है, इसका जो ढाल है वो उत्तर की ओर जा रहा है और मंद ढाल है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर जो नदियाँ अपने निक्षेपित पदार्थ को लेकर के आती हैं, और यहाँ पर जो ग्लेशियर हैं, जो हिमानियाँ हैं, वो हिमानियाँ शीत ऋतु में उनकी बर्फ जम जाती है, तो इनका जो नदियों का जो मार्ग है, ये जो मार्ग है ये पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है, इनका प्रवाह रुक जाता है, और प्रवाह रुक जाने के कारण क्या होता है कि ये पानी आगे को फ्लो नहीं कर पाता और वहाँ पर एक दलदल का निर्माण हो जाता है। तो ये अपने आप में एरिया इतना ज़्यादा पॉपुलेशन के हिसाब से या हम इसको विकास के हिसाब से इतना ज़्यादा विकसित हम इसको नहीं कह सकते। यहाँ की जो स्थानीय विशेषताएं पाई जाती हैं, उस विशेषताओं के आधार पर हम इसको चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है आपका पश्चिमी साइबेरिया का विस्तृत मैदान, दूसरा है पूर्वी साइबेरिया का मैदानी पर्वतीय भाग, और तीसरा आता है मध्य साइबेरिया का पठारी भाग, और लास्ट रूसी तुर्किस्तान का मैदान आता है। जैसा कि आप मानचित्र में, हमने इसको तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया है। यहाँ कैस्पियन सागर, हम या यूराल पर्वत से लेकर के योप नदी तक का जो एरिया है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो आपका पश्चिमी साइबेरिया के विस्तृत मैदान के अंतर्गत आता है। और यहाँ से आप बर्कोयानस्क जो पर्वतमाला है, और यहाँ से जो लीना नदी का पूरा एरिया है, ये पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ओब से लगाकर ये अनिशी और लीना तक का बीच का जो क्षेत्र आता है वो हमारा मध्य साइबेरिया का पठारी भाग, जिसको हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी साइबेरिया के मैदान की बात करें, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये पश्चिमी साइबेरिया का जो मैदान है वो यूराल पर्वत से यनिशी नदी तक फैला हुआ है, और ये एक्चुअली में अपेक्षाकृत समतल मैदान माना जाता है। और समतल मैदान होने के कारण यहाँ पर सबसे अधिक उपयोगी क्षेत्र भी हम इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पूर्वी साइबेरिया का मैदान पर्वतीय भाग, ये इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र भी है और यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र भी मौजूद है, तो एक तरह से ये पूरा का पूरा जो एरिया है लेकिन मिक्सअप है, यहाँ पर एक मिश्रित हम क्षेत्र के नाम से इसको जान सकते हैं। इस क्षेत्र में तुषार भूमि अधिक पाई जाती है, इसलिए जनसंख्या अपेक्षाकृत इस क्षेत्र की तुलना में यहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। नेक्स्ट आता है आपका मध्य साइबेरिया का पठारी क्षेत्र, ये यनिशी नदी से लीना नदी तक फैला हुआ है। यहाँ पर ये आपकी ये जो दिख रही है, ये यनिशी नदी है और ये लीना नदी है, तो यहाँ तक का ये पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र हमारा मध्य साइबेरिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें हमारा पठारी भाग भी पाया जाता है, क्योंकि इसमें बीच बीच में, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो अंगारा लैंड का पार्ट है। जब क्रिटेशियस युग में महाद्वीपीय विस्थापन हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि तैथिस सागर इसको बराबर दो पार्टों में डिवाइड करता था। ऊपर का इसको हम अंगारा लैंड के नाम से जानते थे, और इसका नीचे का जो पार्ट था वो गोंडवाना लैंड था। और यहाँ बीच में ये तैथिस सागर था, तो ये जो पार्ट है, ये जो तैथिस सागर है वहाँ पर पर्वतमालाएं बन चुकी हैं, और ये जो पार्ट है वो पूरा उत्तर का जो पार्ट है वो अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो अंगारा लैंड का पार्ट है, क्योंकि ये ऊपर उठा हुआ है, इसलिए यहाँ पर पर्वतमालाएं आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ स्टेनबोय पर्वतमाला है, ये याबनो लोय पर्वतमाला है, तो इन पर्वतमालाओं के बीच बीच में यहाँ पर कुछ पठारी क्षेत्र भी पाया जाता है। वो पठारी क्षेत्र वो है जब अपरदानकारी शक्तियों ने वहाँ पर उन क्षेत्रों को काफ़ी घिस कर अपर्दित कर करके उनको नीचा कर दिया है, तो ये पूरा का पूरा एरिया पठारी क्षेत्रों से ढका हुआ है। और ये क्षेत्र भी समतल ही हम इसको कह सकते हैं, समतल मैदान है।
और यहाँ पर चूंकि अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा तो पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ये एरिया है, और यहाँ की तुलना में यहाँ पर पॉपुलेशन अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। तीसरा लास्ट का जो चौथा आता है, इसको हम रूसी तुर्किस्तान का मैदान कह सकते हैं। रूसी तुर्किस्तान का मतलब ये है कि ये जो एरिया है वो यूराल का मैदान और अरब कैस्पियन सागर के मध्य स्थित है। ये आपका यहाँ पर यूराल पर्वतमाला है, ये कैस्पियन सागर है, तो ये जो एरिया है वो रूसी तुर्किस्तान का एरिया है, जिसको हम कह सकते हैं कि ओब नदी तक जो एरिया है वो आपका ये फर्स्ट नंबर चौथे नंबर में आता है, जो रूसी तुर्किस्तान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है अपेक्षाकृत उन तीनों के तुलना में, और यहाँ की जलवायु काफ़ी शुष्क है, और इतनी शुष्क है कि ये पूरा का पूरा एरिया एक मरुस्थलीय क्षेत्र में बदल गया। तो दैट इज ये आपका जो पूरा आज जो क्षेत्र है ये हम मरुस्थलीय मरुभूमि के अंतर्गत भी इसको रख सकते हैं। इसलिए अगर हम कंपैरिजन करें इन चारों की, तो इन चारों के कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो सबसे जो वेस्ट जो मैदान आता है यहाँ पर सबसे अधिक पॉपुलेशन पाई जाती है। इसके बाद यहाँ भी पॉपुलेशन इतनी अधिक नहीं पाई जाती, लेकिन ये एरिया ये पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे कम है। जहाँ यहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है वहीं यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका जो सेकेंड मेजर जो पार्ट है वो है सेंट्रल माउंटेन प्लेटो रीजन, जिसको हम इस डायग्राम में दे सकते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया, इसके उत्तर में अगर हम देखें तो उत्तर में हमारा ये वाला क्या कहते हैं, उत्तर की निम्न भूमि आ जाती है इसके उत्तर में। दक्षिण में इसका दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार आ जाते हैं, और इसमें पूर्व में जाकर के इसके कुछ मैदानी क्षेत्र आ जाते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा पार्ट मध्यवर्ती पर्वत और पठार क्रम के अंतर्गत आता है। ये जो एरिया है काफ़ी बड़ा है, मेजर पार्ट है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो एशिया का लगभग 78 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ऐसा है जो इस एरिया के अंतर्गत आता है। और अगर पूरे महाद्वीप के हिसाब से देखें तो ये 20% भाग से अधिक एरिया इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मध्यवर्ती पर्वत और पठार क्रम के अंतर्गत। और ये जो पूरा एरिया है कि वो एक्चुअली में जो 33 सागर था, उस 33 सागर में जब मलवा डिपॉजिट हुआ या सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ था, उस डिपॉजिट सेडिमेंट में जब बलन मोड़ पड़े, उसमें फोल्ड पड़ना शुरू हुए, तो उस फोल्ड के कारण ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो एक पर्वतीय क्षेत्र में मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में डिवाइड हो गया। और ये पर्वत श्रेणियाँ सारी की सारी यहाँ जो पामीर की घाट है, इस पामीर की घाट से उत्तर की ओर इधर क्या कहते हैं आपके पश्चिम उत्तर की ओर जा रही हैं, दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही हैं, पूर्व उत्तर की ओर जा रही है, दक्षिण पूर्व की, मतलब उत्तर की तरफ छोड़कर ये चारों तरफ ये पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं। इसमें सबसे मुख्य हमसे अगर हम देखें तो हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी इसके अंतर्गत आती है, जो विश्व में अगर ऊंचाई की दृष्टि से देखें तो सबसे हाईएस्ट जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी अगर ऊंचाई को हम देखें तो वो 8,848 मीटर के आसपास है। तो अगर हम सेंट्रल माउंटेन प्लेटों का विस्तार की बात करें तो ये जो क्षेत्र है वो पश्चिम में टर्की के पास से भूमध्य रेखा सागर तट के पूर्व में बेरिंग सागर तक एशिया के मध्य भाग में फैला हुआ है, और इसमें अनेक पर्वतमालाएं पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसमें भारत, नेपाल और भूटान के क्षेत्र सम्मिलित हुए हैं, और इसका जो ढाल है वो तिब्बत की ओर जाता है, उत्तर की ओर जाता है। और इसका जो विस्तार, अगर हम पश्चिमी विस्तार की बात करें तो ये जो पूरा एरिया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ये पूरे एरिया को ये कवर किए हुए हैं, और मध्य एशिया में भी। तो अगर हम इसकी हाईएस्ट चोटियों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से ये चोटियां हैं। सबसे पहली जो चोटी आती है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी 8,848 मीटर है। उसके बाद नेक्स्ट कंचनजंगा, धौलागिर, गॉडवन आस्टिन केटू,
तो फर्स्ट नंबर पर आपकी ये आती है, दूसरे नंबर पर आपकी गॉडविन एस्टन K2 है जिसकी अगर हाइट की बात करें तो 8611 मीटर है। थर्ड नंबर पर कंचनजंगा का नाम आता है जो 8598 मीटर हाइट वाली है और मकालू 8481 मीटर की है। इसके बाद धौलागिर और मनास, ये पर्वत श्रेणियाँ इस सेंट्रल माउंटेन प्लेटो रीजन की हाईएस्ट पर्वत चोटियों के नाम से जानी जाती है। थैंक यू।